हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे हब में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं ऋषिकेश से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 14609 ऋषिकेश कटरा हेमकुंट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि एक एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे नॉर्दर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। ट्रेन अपने पैसेंजरों को डेली सर्विस देती। फिलहाल कोरोना काल में ये ट्रेन नहीं चल रही है। ट्रेन अपने सफर 636 किलोमीटर को पूरा करने में 13 घंटे और 55 मिनट का समय लगाती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन के ऋषिकेश से कटरा के बीच टोटल 19 स्टॉप्स है। ट्रेन में टोटल 21 कोचेस लगते हैं, जिसमें से 2 कोच सेकेंड एसी टायर के, 3 कोच थर्ड एसी टायर के, 10 स्लीपर क्लास के कोच, 4 सेकेंड सीटिंग के कोच और 2 एसएलआर कोचेस लगते हैं। इसमें पेंट्री कार का कोई कोच अटैच नहीं होता है। अब बात करते हैं ट्रेन के टिकट फेयर के बारे में। तो सेकेंड एसी में 900 रुपये, थर्ड एसी में 630 रुपये, स्लीपर में 235 रुपये, सेकेंड सीटिंग में 120 रुपये। ये किराया ऋषिकेश से कटरा के बीच का है, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, जीएसटी चार्ज इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं ट्रेन के हॉल्ट्स के बारे में। तो ट्रेन ऋषिकेश के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से शाम के 4:35 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन वीरभद्र के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे शाम के 4:47 पहुंचती है और 4:44 यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन रायवाले के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे शाम के 5:02 पे पहुंचती है और 5:04 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन के यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन हरिद्वार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शाम के 5:35 पे पहुंचती है और 5:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 15 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन रुड़की के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे शाम के 6:28 पहुंचती है और 6:43 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप। यहाँ तक ट्रेन 64 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन सहारनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे शाम के 7:40 पहुंचती है और 7:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन यमुनानगर जगत्री के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे रात के 8:16 पहुंचती है और 8:18 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन अंबाला कैंट जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे रात के 8:58 पहुंचती है और 9:08 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 180 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन सिरहिंद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 10:03 पहुंचती है और 10:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन के यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन लुधियाना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे रात के 11:07 पे पहुंचती है और 11:17 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन के यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन जलंधर कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 12:10 पहुंचती है और 12:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 346 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन टंडा उर्माक के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 12:50 पहुंचती है और 12:52 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन के यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन रसुईया के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रात के 1:06 पहुंचती है, 1:08 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन पठानकोट कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 2:15 पहुंचती है और 2:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप। फिर ट्रेन कटरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 2:48 पहुंचती है और 2:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन हीरानगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 3:18 पहुंचती है, 3:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 511 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन गढ़वाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 3:28 पहुंचती है, 3:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन जम्मू तवी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 4:30 पहुंचती है और 4:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन उधमपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 5:34 पहुंचती है और 5:36 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन अपने डेस्टिनेशन स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 6:30 पहुंचती है और यहाँ तक ट्रेन 636 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है।